नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश के सभी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही प्रवक्ताओं को विशेष रूप से देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर प्रमुखता से बात रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही बैठक का हिस्सा रहे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जमाई और सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में कहा कि इस बैठक के संबंध में कई जानकारियां भी दी हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। समाजवादी पार्टी 2024 चुनाव को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई थी, इसमें तमाम वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सम्मिलित हुए थे। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित जमाई हैं। सर, आज ये बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या दिशा निर्देश आप सभी को दिए गए हैं? देखो, बीजेपी आरएसएस का जो पूरा झूठ है देश में, और झूठ की बुनियाद पर जो हुकूमत चल रही है, इस झूठ की बुनियाद पर पूरे देश के जो कॉरपोरेट्स हैं, संसाधन हैं, उसकी जो लूट मची हुई है, तो उस पर कैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी आरएसएस का मुकाबला सोशल मीडिया पे करेगी, टेलीविज़न पे करेगी? क्योंकि जो लड़ाई है ना, लड़ाई उनमें है जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस देश में अधिनायकवाद लाने की तैयारी में है, उन्हीं को लेकर जो रणनीतियाँ हैं कि कैसे सोशलिस्ट विचारधारा की बुनियाद पर हम इन सारे जो सवाल हैं, गरीबी के, महंगाई के, बेरोज़गारी के, इन सवालों पे बीजेपी आरएसएस को जवाब देना पड़ेगा, जो कि जवाब उनके पास है नहीं। अगर कहा जा रहा था कि चर्चा था कि ज्ञानव्यापी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज कुछ अहम निर्देश दिए जाएंगे आपके पार्टी के सर्वेसर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। देखिए, उत्तर प्रदेश का न एक हिंदू न मुसलमान, कोई भी ज्ञानव्यापी भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना मंदिर पर ना मस्जिद पर। वाराणसी के लोग भी चाहते हैं कि आपने हमारी सैकड़ों मंदिरें शहीद कर दी, वहाँ पर कितनी मूर्तियां जो हैं कूड़े घर से निकली हैं। तो ये सरकार धर्म का तो नाम करती है, हमारी गंगा जी का क्या हुआ? तो वो इन मुद्दों पर सवाल ना हो, इसलिए पोलराइजेशन के मुद्दे ले आ रहे हैं। और ये वैसी है कि जैसे जब रोशनी बुझती है तो एक भभक होती है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में ना पड़े। देश जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के विकास का क्या हुआ। आपने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की जो सिलसिलेवार तरीके से जो हत्याएं शुरू कराई हैं देश के अंदर, उनके जो हक हकूक थे जो आपने उनको छीने हैं, अब उस पर जवाब देना पड़ेगा। आखिरी सवाल, सपा आगामी दिनों में कई अपने अभियान और कार्यक्रम करने वाली है, साइकिल यात्रा के शुभारम्भ कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है आने वाले दिनों में, किस तरह की तैयारी हुई है और क्या उन अभियानों को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, इन सभी बड़े पीडीए के सवाल पर ऑलरेडी पूरी पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में सड़क पर है। जो सड़क पे नहीं है वो जेलों में है, हमारे सारे युवा साथी जो हैं, और इस तानाशाही हुकूमत से लड़ रहे हैं। तो जो पीडीए का पैगाम है, जो जातिगत जनगणना का पैगाम है, हम वो गांव-गांव तक पहुँचा रहे हैं, चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हो। और इस हुकूमत को सिर्फ नाम नहीं लेना है कि आपका ओम प्रकाश राजभर जी आ गए, ये आ गए, वो आ गए। आप बताओ कि आप निजीकरण कब रोकोगे, आरक्षण पे हमला कब रोकोगे? क्योंकि अगर निजीकरण हो गया तो ओम प्रकाश राजभर जी को आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो ये तो सारे संसाधनों को बेचने वाली सरकार है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जमाई थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 चुनाव को लेकर कैसे आम जनमानस के प्रदेश को कैसे सपा की तरफ किया जाए, साथ ही साथ जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं विवाद होता है उससे बचे रहने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। 2024 चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सपा पे आज एक बड़ी बैठक रखी गई थी, इसमें सभी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं शिरकत किए थे। हमारे साथ राजपाल कश्यप हैं, जो बैठक का हिस्सा रहे हैं। किन विषयों पर चर्चा की गई और किस तरह का दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही साफ सुथरी ईमानदार छवि के नेता हैं और उन्होंने काम किया है, और इस उत्तर प्रदेश में जो काम करके देश को आईना दिखाया है वो उनका काम बोल रहा है। हमें सच्चाई पे टिकना है, बीजेपी झूठ पे टिकी हुई है, और झूठ बहुत दिन नहीं चलता है। अब बीजेपी के झूठ को लोग जान चुके हैं। ना इन्होंने महंगाई कंट्रोल कर पाई,
ना बेरोजगारी खत्म कर पाई और बेरोजगारी बढ़ी है बीजेपी के शासन पर, ना काला धन ले आ पाए, ना 15 लाख दे पाए, और ना ही कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, इनके राज में जो नारा ये देते हैं उसका उलट समझो, देश की सारी सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों को साथ में भेदभाव, आज जो नौकरी में भी दलित पिछड़ा और आदिवासी अल्पसंख्यक है उसको भी अपमानित किया जा रहा है नौकरी में भी रहते हुए, जिन और नए लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी संस्थानों में प्राइवेट सेक्टर से नौकरी भर रहे हैं, उसमें आरक्षण नहीं लागू कर रहे हैं, और पीओबीसीसी को लेकर कोई निर्देश दिया गया है? ऐसा है कि बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आज देश में किसान भुखमरी की कगार पे है, देश के किसानों को खेत बचाना पड़ रहा है जानवरों से, रात में रखवाली करते तो उनकी उनको जानवर मार देता है, ये सब बड़े मुद्दे हैं, लोग भुखमरी लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग आपस में परिवार जो रहता है वो परिवार एक दूसरे को सामने अपमानित तो हो रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई कि अगर आप कितनी नौकरी पाते होंगे, आप 10,000, 12,000, 15,000 नौकरी पाते होंगे, जहां लखनऊ के सीएमएस की फीस 12,000 हो गई है, तो आप रहोगे क्या, खाओगे क्या, बच्चों को क्या पढ़ाओगे, ये बिना परिवार वाले लोग नहीं समझ सकते जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये बिना परिवार वाले लोग हैं, इनको नहीं समझ में आता कि परिवार चलाने के लिए महंगाई कितनी, तेल कितने में हो गया, नमक तेल का भाव नहीं पता है, आटे का भाव नहीं पता है, इनको नहीं पता सब्जी का भाव नहीं पता है, इनको नहीं पता बच्चे की फीस कितनी पड़ती है, नौकरी के फार्म डालता है, फार्म डालने के बाद परीक्षा देने आता है, किराया लेके आता है, गेहूँ बेच के आता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, जाके अपमानित होता है, घर में अपना माँ बाप के सामना नहीं कर पाता है, ये जलालत की बात की जाए, अगर बात की जाए तो सपा अपने तमाम अभियान और साइकिल यात्रा के माध्यम से तमाम मुद्दों पर आम जनता से बात करेगी, इसको लेकर अगर बात की जाए तो किन प्रमुख मुद्दों पे आप लोग बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सामाजिक एकता, जाति जनगणना, यूसीसी और साथ ही साथ ज्ञान व्यापी पर कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बना रहे, इस तरह के बयान आपकी तरफ से दिए जा रहे, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जाति जनगणना हमारा प्रमुख मुद्दा है, जाति जनगणना के मतलब सबको समानता का असमान अधिकार मिल जाए, जाति जनगणना और जाति जनगणना क्यों नहीं सरकार करा रही, केवल लड़ाएगी जातियों में, ये लोग ऐसे लोग हैं सरकार बनाने के लिए जाति में लड़ाते हैं, धर्म में लड़ाते हैं, गोत्र में लड़ाते हैं, और इनको सरकार बने अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो पति पत्नी में भी लड़ाते हैं, ये लड़ाने वाले लोग हैं, आपस में लड़ा के देश का भाईचारा खत्म करना चाहते, शिष्टाचार खत्म करना चाहते, संस्कार खत्म करना चाहते, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, क्या हो रहा है मणिपुर में, क्यों नहीं सरकार बर्खास्त हुई, क्यों नहीं बर्खास्त हुई, क्या हो रहा है नंगा नाच, उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है, कोई सुरक्षित है, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है, इसी राजधानी में चैन स्नेचिंग हो जा रही है, दिन दहाड़े लोगों की चैन लूट दी जा रही है, कुंडल लूट लिए जा रहे हैं, बहन बेटियां सोने की चैन और कुंडल पहनना छोड़ दिए हैं उत्तर प्रदेश में, ये है योगी राज में, ये ढोंगी राज है जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ राजपाल कश्यप थे, जो समाजवादी पार्टी पिछड़ा सभा के प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश में महंगाई कहीं ना कहीं चरम पे है, साथ ही उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी महंगाई और तमाम आज जो मुद्दों पे बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में प्रमुखता से आवाज़ उठाते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादे को धरातल पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ के कृषि भवन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि बीमा में संलग्न बैंकर्स के साथ बीमा की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को आपदा से राहत मिल सके, इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध करने पर 10 अगस्त तक बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के भीतर एग्री स्टेट के माध्यम से जितने मैप हैं उनका डिजिटलाइजेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, लैंड रिकॉर्ड्स का भी काम जो है वो पूर्णता की ओर है, और इसके अतिरिक्त उनके जो लैंड शेयर हैं वो राजस्व विभाग, राजस्व परिषद उसको निर्धारित कर रहा है। आज जो निर्णय हुआ है वो डिजिटल क्राप सर्वे के लिए हुआ है, जो फसलों का सर्वे होती है, अभी मैनुअल होते थे और बीच के दरमियान वो बंद हो गए थे चकबंदी प्रक्रिया लागू होने के बाद, अब उसका
डिजिटल माध्यम से सर्वे किया जाएगा और साथ साथ में सेटेलाइट सिस्टम से भी उसकी क्रॉस चेकिंग की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में गोंडा जिले को देश का सबसे गंदे शहर का स्थान मिला है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक अनूठे पहल की शुरुआत की, जिससे जनपद को पूरी तरीके से स्वच्छ रखने में मदद भी मिलेगी। साथ ही ये प्रदेश के अन्य जिलों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। वही जिलाधिकारी ने मेरा गोंडा मेरी शान के तहत स्वच्छता महाअभियान को हरी झंडी दिखाई है, जहाँ 45 किलोमीटर की सड़क को साफ रखने के लिए 1000 से ज्यादा सफाई कर्मी अपना योगदान देते हुए नजर। खास तौर पे आज का दिन जिनके लिए डेडिकेटेड है, जो वाकई में श्रमदान करेंगे, हम लोग तो एक पहल आप सबके साथ करेंगे, लेकिन ऐसे हमारे सफाई मित्र जो बहुत सारी संख्या में आज 1000 सफाई मित्र पूरे 45 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, सर इन सफाई मित्रों का योगदान है। और ये सफाई मित्र नगर पालिका की टीम है, इसमें PWD से लगे हुए जो गैंग हैं और ग्राम पंचायतों के जो हमारे सफाई मित्र हैं, ये सब मिलकर एक समन्वय के तहत ये काम जो है इस कार्य योजना को धरातल पे उतार रहे हैं। आज ये बहुत अच्छी पहल शुरू हुई है, मैं DM साहब को बधाई देना चाहता हूँ। जो 45 किलोमीटर का आपने संकल्प लिया है कि रोड साइड की जितनी पटरियाँ हैं उनको स्वच्छ रखा जाएगा, मैंने उस पर काम किया और उस पर बाउंड्री वाल उठवा दी। वो धर्मशाला की जमीन थी और उस पर अब कूड़ा डंप नहीं होता है। पूरे जनपद वासी गोंडा निवासी होने का गर्व महसूस करते हैं। मेरा गोंडा मेरी शान, जिस तरह पहले मैंने एक स्लोगन दिया था आई लव माई गोंडा, इसी तरह मेरा गोंडा मेरी शान, क्योंकि सच्चाई यही है कि शान हमारी पहचान जो होती है वो हमारे अपने शहर से होती है। हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम गोंडा से आए हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ साल पहले गोंडा की पहचान बहुत गंदे शहर में शुमार था कि बहुत ही गंदा शहर है गोंडा, मतलब वो बाहर के देशों में भी लोग जान गए थे कि गोंडा बहुत गंदा शहर है। लेकिन सभी के सहयोग से नगर पालिका के जितने अधिकारी कर्मचारी, सबसे खासकर गोंडा के शहर के जो लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और जो 5 साल गुजर गया है उसमें हमारी अच्छी पहचान बनी। खबर कुशीनगर से है, जहां सड़क निर्माण कराने को लेकर प्रधान पर जानलेवा हमला हो गया। ग्राम प्रधान ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक सड़क निर्माण को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने सड़क निर्माण का विरोध किया और ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। लोगों ने मारपीट करते हुए बुरी तरीके से घायल कर दिया। वही ग्राम प्रधान ने थाने में तहरीर दी और ग्राम प्रधान ने कार्रवाई किए जाने की अब मांग भी की है। मैं जिला अध्यक्ष प्रधान संघ कुशीनगर अखबार अंसारी बोल रहा हूँ और सभी मीडिया साथियों को आभार व्यक्त करता हूं। मैं कश्यप थाना परिषद में हमारे एक प्रधान साथी शामपुर के, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है और आए दिन हमारे प्रधान साथियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है और उनके साथ हमेशा जहां देखा जाए हर ग्राम सभा में लगभग सरकारी काम में व्यवधान किया जा रहा है। सार्वजनिक रास्ता है मेरे ग्राम सभा में, इसका निर्माण कराने के लिए मैं ब्लॉक से अनुमति ले करके उसकी साफ सफाई करा रहा था। कुछ हमारे ग्राम सभा के शंकर पुत्र जयराम और सुभाष पुत्र जयराम यहाँ के एकाएक हमारे पे हमला कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी चोट आई है और मैं मुलैया करा करके SO कश्या और उप जिला अधिकारी कश्या को अभी अवगत करा दिए हैं। अब खबर पीलीभीत से है, जहां ग्राम पंचायत लोधीपुर में कई दिनों से लाइट नहीं आने की वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। बिजली विभाग की लापरवाही को देखते हुए ग्रामीणों में गुस्सा भी देखने को मिला। कुछ दिन पहले बत्ती की लापरवाही बरत रहे अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था, जिसके बावजूद भी अधिकारी सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। ट्रांसफार्म की जो तार कतरा हुआ है, 4 दिन से फोन कर रहे हैं आयन एरिया पे, उस अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, ऊपर शिकायत की, बस यही बोलते हैं आ रहे आया कोई नहीं अभी। किस कितने दिन से हो गई है खराब? हो गए 3 दिन परेशान होते हैं यहाँ।
अलीगढ़ में आशा कर्मी महिला के बैग से एक शातिर चोर मोबाइल चुरा कर ले गया। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने चोर को मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिसके बाद लोगों ने उसे जमकर पीटा। दरअसल आशा कर्मी महिला अपना काम खत्म करने के बाद CHC खैर से अपने गाँव वापस जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शातिर मोबाइल चोर को थाने में ले गई है। वही पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या घटना हुई थी? अभी मम्मा मोमो वाले के ठेले पे खड़े और ये पीछे से आए और इन्हें फोन निकाल के और रख लो। जब मैं बार बार कॉल कर रही थी, एक बार कॉल उठा के बता देते फोन मेरे पास है, इन्हें बताई ना। मैंने निकलते देखे ना, मैंने भैया तुम ही खड़े ना, तुम पे मेरे फोन है, तुझे बोले ना इन्हें साइलेंट पे लगा लो। मैंने ये सरकारी फोन है या तो बता चुपचाप। तो जब कहीं यहाँ है तो मैडम पशु कहीं मत अच्छी है। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ दे दी यार। खबर प्रयागराज से है, जहां सरैया मोहल्ले के घर में भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल जिस कमरे में आग लगी थी, वहां पर छात्राएं किराए पर रहती थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस दौरान स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए थे। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने घर में घुसकर आग बुझाई और टीम ने पूरी तरीके से आग पर काबू भी पा लिया है। 15:46 पे सूचना मिली थी कि थाना मुट्टीगंज के अंतर्गत सरैया मोहल्ला में आग लगी हुई है। मैं तत्काल एक वहाँ से फायर टैंकर लेके घटनास्थल के रवाना हुआ। आकर यहाँ देखा तो फर्स्ट फ्लोर पे एक आग लगी हुई थी। ये सही पता चला कि रेंट पे रहते हैं। आकर जितनी जल्दी हो सका उसका बुझाने का प्रयास किया गया और उसमें जो 2-3 लोग रहते थे उनको भी वहाँ से वो सेफ निकाल लिए गए। और इसके बाद केवल इनका आंशिक रूप से कपड़े वगैरह जले, बाकी इनका सारा सामान बचा लिया गया। जो है स्टूडेंट रहते हैं, तो जितना खाना वाना बनाने का भी रखे होंगे कुछ सामान वाले। हम रूम से बाहर थे, कहीं गए हुए थे और अचानक से जो है पुरानी वायरिंग है लग गई होगी, आज शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसमें कोई तरह का नुकसान तो नहीं होता? नुकसान थोड़ा बहुत, किसी को नुकसान नहीं हुआ पर्सनली, सामान वामान जो है बस जल गए हैं। बाकी मोहल्ले के जितने लोग थे काफ़ी सहयोग किया उन्होंने, बोरिंग थी पानी से जो है काफ़ी बुझाया। फायर की भी टीम पहुंच गई है? हाँ, फायर ब्रिगेड की भी टीम आ गई थी। क्या नाम आपका? अब खबर मुरादाबाद जनपद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र की है, जहां दिल्ली लखनऊ हाईवे 0.4 पर ट्रेलर ट्रक और एक कार और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वही सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और क्रेन की मदद से फंसे ट्रेलर ट्रक चालक को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है और एम्बुलेंस की मदद से घायल ट्रक चालक को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राहुल यादव, कहाँ से आ रहे थे आप? हम आ रहे थे क्या नाम है यहाँ से, मथुरा से। आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? टेलर से। क्या करते हो आप? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हो? वो उस पर भी टेलर था, मेरे भी टेलर था। कितने टायर हो? 22 टायर। कहाँ से कहाँ पर जा रहे थे आप? मैं जा रहा था यहाँ रामपुर। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ पर जा? रामपुर जा रहे थे। हाँ, मथुरा से। मथुरा से आ रहा था। आप रहने वाले कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो कौन सी जगह ये एक्सीडेंट हुआ और कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें घायल कोई नहीं, खाली मेरी चोट है भाई, और किसी के नहीं है। यहाँ पे आप कैसे आए हो? एम्बुलेंस से। एक घोड़ा ऊपर की तरफ से आ रहा था, जिसके ब्रेक न लगने का साइड से मुड़ रहा है कंटेनर के अंदर, उसने उसको आके टक्कर मार दी। जब उसने टक्कर मारी उसके अंदर, तो कंटेनर जो था वो सड़क के ऊपर गिर गया। उसकी चपेट में एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक स्कूटी, ये 2 वाहन हैं। कितने लोग घायल हैं इसमें? एक जो घोड़ा चला रहा था ड्राइवर वो घायल है, उसके पैर में फ्रैक्चर वगैरह हुआ। कितने घंटे में निकाला गया है वो? उसको हमने 1.5 घंटे में निकाल लिया, बड़ी मशक्कत के बाद में हाईवे की टीम ने और पुलिस ने। कितने समय के बाद पहुंची यहाँ पर? यहाँ पर तत्काल जैसी एक्सीडेंट की सूचना मिली थी हम लोग यहाँ पर आ गए। हरदोई में घास काटने गए 2 बच्चे खदान के गड्ढे में डूब गए। दरअसल ये गड्ढा गंगा एक्सप्रेसवे की मिट्टी के लिए खोदा गया था। पैर में लगी मिट्टी को साफ करने के लिए एक मासूम गड्ढे के किनारे गया था। इसी बीच उसका पैर अचानक से फिसल गया और वो गड्ढे में गिर गया। फिर दूसरा बच्चा भी उसे बचाने के लिए गड्ढे में डूब गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया है। सूचना मिलते ही परिजनों समेत पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया और
कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। थाना बलग्राम में एक गांव पड़ता मंगलीपुर का, जहां पे दो बच्चे खेत में घास काटने गए थे, लौटते वक्त उनके पैर में मिट्टी लग गई थी, उसी में वो तालाब में धुलने गए थे, उसी में वो फिसल के एक बच्चा गिर गया, डूबने लगा, दूसरा उसको बचाने के लिए उसमें उतर गया, इसी क्रम में दोनों बच्चे डूब गए। उसके बाद तत्काल जो भी वहाँ फौती स्थानीय पहुँचे उनको निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी उसमें डूबकर मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस द्वारा दोनों शव को बरामद किया गया है और उसमें पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में बैंक में ड्यूटी करने जा रहे एक होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बाइक में अज्ञात वाहन ने हाईवे पर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक शाहबाद कोतवाली में तैनात था, जिसके बाद होमगार्ड को अस्पताल भेजा गया और हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होमगार्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। ये विक्रम होमगार्ड है, ये रहने वाले शर्मा गांव के थे, शाहबाद थाना क्षेत्र में। ये आज सुबह थाने से उसेपुर बैंक ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ककरघटा के पास किसी अज्ञात वाहन से इनको टक्कर लग गई, घायल अवस्था में सीएससी शाहबाद लाए गए और वहां से प्राथमिक उपचार करके उनको रेफर कर दिया गया था जिला चिकित्सालय हरदोई के लिए। हरदोई में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत करके वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।